हर घर का नुकसान हुआ है। फर्नीचर, फ्रिज वगैरह जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है वो सारे खराब हो गए। पानी अभी तक आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि अभी तक खड़ा है, लेकिन कोई इंतजामिया वाला आया नहीं है अभी तक। जितने भी घर से लाभ के जिद में है ना, ये तकरीबन 100 से 150, 300 के घर है ना, और हर घर का अपना जो है ना बस के हिसाब से नुकसान पड़ा हुआ है। हमारा अपना फर्नीचर वगैरह सारा खराब पड़ा हुआ है। बड़ी मुश्किल दरपेश है इधर। सैलाब से घरों को भी बहुत नुकसान हुए कि बुनियादें सारे गल गए ना, पानी की वजह से नमदार हो गए, घरों के गिरने के भी खतरा है। सारे मोहल्ले वाले बड़े परेशान है सैलाब की रैली से।